बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। एक स्टूडेंट का गुण यही होना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ सोचते रहना चाहिए। स्टूडेंट क्या हर इंसान का गुण यही होना चाहिए कि हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए। जहां पर आपने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, उसी दिन आपकी तरक्की समझ लीजिए खत्म हो गई। इसलिए कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, जो तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो इन्हीं लाइनों के साथ बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे FM मैथमेटिक्स चैनल में, और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर फरमान मलिक। जैसा कि किया था आपसे मैंने वादा कि नेक्स्ट लेक्चर में NCERT के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम आपको सारे सॉल्व मैं कराऊंगा, तो मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। इसको हम दो पार्ट में बच्चों बनाएंगे, आधे वर्ड प्रॉब्लम एक लेक्चर में और आधे वर्ड प्रॉब्लम एक लेक्चर में। बिकॉज अगर एक लेक्चर में शूट करेंगे तो मैंने कैलकुलेशन जैसा लगाया था, जैसा कि मेरी आदत है हर चीज़ को लंबा चौड़ा करके समझाना, तो लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा और आप लोग हो सकता है थोड़े हो जाए बोर। तो दो पार्ट में इसको बनाएंगे, एक शायरी आपको और सुनने को मिल जाएगी अगले लेक्चर में, तो फ़ायदा ही हो जाएगा। तो आज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन #7। 7 लेक्चर की जर्नी आपके साथ हो चुकी है, काफ़ी काफ़ी अच्छा ये सफ़र रहा आप लोगों के साथ। तो आज हम दो एक्सरसाइज के इसमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आप बना पाएंगे। असली बात तो ये है, क्योंकि मेरा कोई बुक से कराना सॉल्यूशन तो मतलब नहीं है, इस चीज़ के तो मैं खिलाफ रहता हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ बिकॉज मैं इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बताऊंगा, बात है ये। एक्सरसाइज 4.1 ओपन कर लेंगे और नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे। 4.1 में बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने बनाने को कहा है, बट NCERT के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगातार आते रहे, इसलिए मैंने कोई ईयर नहीं लिखा है कि ये सवाल इस ईयर में आया था, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये माता जी हैं, माता जी का हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मदर बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन बनाए हैं, बट हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो एक रेक्टेंगुलर एरिया है बच्चों, जिसका रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। असली बात अब आ रही है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी लंबाई है वो उसके ब्रेथ के 2 से 1 ज्यादा है। कुछ बच्चों को इसी में आती है प्रॉब्लम, यही वो नहीं कर पाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रही बात। अगर हम लंबाई को देखो, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में 100% दी जाएगी। मैं आपको उस बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है और आपने मेरे साथ ये दो लेक्चर बिल्कुल ईमानदारी से कंप्लीट कर लिए, तो मैं चैलेंज आपको देके कहता हूं कि आप इक्वेशन बनानी तो सीख जाओगे। तो लेंथ की वैल्यू ब्रेथ की फॉर्म में दे रखी है या ब्रेथ की वैल्यू लेंथ की फॉर्म में दे रखी है? उसने कहा है द इट्स लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ को ब्रेथ की फॉर्म में दिया है। तो जिस वेरिएबल को उसने दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में दिया हो, उस वेरिएबल को लेट करते हैं हम लोग। तो लेट द लेंथ बी एक्स मीटर, जिस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया होगा, जिसकी फॉर्म में दिया होगा उसको लेट करेंगे। तो यहां ब्रेथ को, हालांकि हो तो लेंथ से भी काम जाएगा, तो ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर, राइट। लेंथ को ब्रेथ की फॉर्म में दिया है तो लेंथ तो बनी जाएगी ब्रेथ से, तो पहले हमने ब्रेथ को लेट कर लिया, इज दैट क्लियर? तो लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर, देन तब लंबाई इक्वल टू, कह रहा है इज वन मोर देन, वन ज्यादा है तो वन प्लस कर दो, किससे वन ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस, इसलिए 6th क्लास से ही चैप्टर आ गया था बच्चों लीनियर इक्वेशन, 7th में आया, 8th में आया, 9th में आया, जिससे आपकी थोड़ी सोच डेवलप हो जाए, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से बता रहा। तो ये लंबाई हो गई, चौड़ाई एक्स मानी थी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताएंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया की वैल्यू 528 इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ क्या है? लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है x,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 528 2x की x से कराओगे 2x स्क्वायर प्लस x, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज इतना पढ़ाने का मेरा कोई मतलब निकलेगा ही नहीं, सात लेक्चर पे आज मैं बात कर रहा हूं, और अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व कराता हूं, हाँ, तब मैं जरूर कहूंगा कि मैं बुक का सॉल्यूशन बनवा रहा हूं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर करने हैं और आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रही है बात? तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका आंसर आप खुद निकाल लेंगे, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, है ना बात? लेंथ और ब्रेथ पूछ रहे हैं ना हमसे, तो जब आप इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे वहां से दो वैल्यू आएंगी, दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों पॉसिबल हो, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव वाली को निग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ब्रेथ आ जाएगी, उसके बाद एक्स की वैल्यू यहां रख देंगे तो लेंथ भी आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां से बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाएंगे, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो एरिया वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपके बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सेकेंड पार्ट इसका हम लोग देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। अब यहां पे मैं आपको इवन ऑड वाला चक्कर भी सिखा दूंगा। मैंने क्या कहा था, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बनवाने नहीं आया हूं, याद रखिएगा। इज 306 है तो फाइंड द इंटीजर, इंटीजर बताने हैं। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 .. यानी कि अगर हम एक इंटीजर को x मान ले तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव या तो उससे माइनस वन करके आ जाएगा या प्लस वन करके आ जाएगा। इंटीजर को देखिए, हर इंटीजर को प्लस वन करने पे उसका आगे वाला इंटीजर आ जाता है और माइनस वन करने पे पीछे वाला, आगे वाला भी कॉन्सिक्यूटिव कहलाता है पीछे वाला भी। आप एक को x मान लो दूसरे को x प्लस वन मान लो चलेगा, एक को x मान लो उसका साथी x माइनस वन मान लो, आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। रटना नहीं है बस, मेन काम यही है, लड़ाई इसी की है, रटना नहीं है आपको बस। x माइनस वन से भी आ जाएगा, x प्लस वन से भी आ जाएगा। यहीं पर अगर मैं आपको बताता चलूं, अगर इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8, इवन नंबर प्लस दो करने पर आता है या माइनस दो करने पर, ध्यान रखिएगा। ऑड नंबर 1 3 5 7 हम तो सिखाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट, तो ऑड इंटीजर भी प्लस टू करने पे आता है या माइनस टू। अगर इवन ऑड का सवाल आ जाए, इसमें नहीं है, आरडी शर्मा सर की बुक में क्वेश्चन है और आते भी हैं एग्जाम में, तो एक को एक्स मान लीजिएगा, दूसरे को एक्स प्लस टू मान लीजिए या एक्स माइनस टू मान लीजिए, और जो भी गिवन कंडीशन है वो अप्लाई करा दीजिए, 100% आपका सॉल्यूशन बिंदास झक्कास निकल के आएगा, कोई दिक्कत इच नहीं है। समझ आ रही है बात? तो इवन का भी कर लोगे, ऑड का भी कर लोगे, और यहां पर कॉन्सिक्यूटिव दे रखा है तो ये तो हम अभी कर ही रहे हैं। फिर समझ में आ गई बात? ये है बस, इसलिए अपन को लगता है टाइम पढ़ाने में, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट सिखाते, रटाने तो आए नहीं है। तो लेट टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। अब देखिए प्रोडक्ट दिया है इनका, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देते हैं, ATQ आदत है हमारी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 को इधर ले आइए इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टराइज करिए, x की वैल्यू निकालिए, पॉजिटिव वैल्यू को ले लीजिएगा, उस वैल्यू को आप x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक इंटीजर आ जाएगा, उसमें प्लस वन करा देंगे तो वो दूसरा इंटीजर हो जाएगा। इसको सॉल्व कराना आपका काम है, हमारा काम नहीं है भाई। समझ आ रही बात? हो जाएगा आराम से, इसके फैक्टराइजेशन बना लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख दो। अगर आप लगातार मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो फैक्टराइजेशन पूरी सीरीज बनाई थी, तीन टाइप के क्वेश्चन ऐसे तो बड़े यूनिक तरीके से पढ़ाया गया था आपको, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विद प्रूफ पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो इसके फैक्टराइजेशन करिए, आंसर निकाल लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, रियल में क्या पढ़ाना चाहिए टीचर को, अगर बच्चे को फैक्टराइजेशन आता है तो मैं समझता हूँ इतना ही बताना चाहिए, ठीक है? अगर कहीं आएगा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको आंसर निकाल देंगे, ठीक हो रही है बात? तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, रोहन मदर्स,
हाँ, ये एज वाले बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उसके एज से 26 बड़ी है। कभी भी एज का क्वेश्चन आ जाए प्रेजेंट एज लेट करो हमेशा। रोहन प्रेजेंट एज को मैंने कितना मान लिया, अभी रोहन x साल का है तो रोहन मदर एज 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। अब उसके बाद क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल के बाद 360 हो जाएगा, 3 साल के बाद, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 साल के बाद रोहन की मम्मी भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी और रोहन खुद भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो 3 साल के बाद रोहन हो गया x प्लस 3 और उसकी मदर हो गई x प्लस 29। 26 में 3 और ऐड करोगे 29। 3 साल के बाद की कहानी, उन्होंने कहा प्रोडक्ट तो मैंने यहां करा दिया प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट हो जाएगा 360 इक्वल में रख दिया 360। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, फील करो, समझो, लैंग्वेज बनाओ, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो और अपने आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक हो रही बात, x के मल्टीपल x से कराएंगे, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 29x। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे भी करते देखा है, जबकि 9th क्लास में फॉर्मूला आपने पढ़ा था x प्लस ax प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। यूज नहीं कर रहे हैं आप लोग, मुझे मालूम है आप यूज नहीं कर रहे हैं, फिर रटने के लिए पढ़ा था क्या? 3x लिखेंगे फिर 29x लिखेंगे बाद में ऐड करेंगे, इतना टाइम हमारे पास तो नहीं है। तो 3x और 29x कितना हो जाएगा 32x। 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 जा 27, 27 का 7 कैरी 2, 32 जा 6 और 28 87। 360 इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस का 32x, 87 से 360 माइनस करा लीजिए, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, इधर बचा 5 से 8 जा नहीं रहा है, 15 से 8 गया 15 और ये 2, 273 माइनस में इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करिए, आंसर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आंसर निकाल के मुझे बताइए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रेन डिस्टेंस स्पीड टाइम। तो इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले ही लिया होगा, आंसर निकाल के जरूर बताइएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना, खुद के साथ कभी चोरी मत करो, किसको धोखा दोगे, खुद को दोगे, लाइफ टाइम कब तक दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो धुक 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 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। अब कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस देन इट वुड टेक 3 आर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब समझिए यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे भी आएगा क्वेश्चन। अगर ट्रेन अपनी स्पीड को भाई कितना कम कर दे, 8 किलोमीटर पर आर कम कर दे तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी, ऑब्वियस ही बात है। अगर स्लो चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तेज चलोगे टाइम कम लगेगा। तो कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी, टाइम तो पहले भी लग रहा था, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे किसके मुकाबले, किसके कंपेयर में, पुराने वाले के कंपेयर में, तो पुराना वाला है कहां। तो लेट द यूनिफॉर्म, इस टाइप का हर क्वेश्चन इस मेथड से आप कर सकते हैं, तो कोरिलेट करिए। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं, ना 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 ना, इस धोखे में बिल्कुल मत रहिए। अगर इस क्वेश्चन को करके इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं और आप कामयाब हैं, वरना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो लेट द यूनिफॉर्म, देख लीजिए कैसे करेंगे, लैंग्वेज भी बता रहा हूं बोर्ड के हिसाब से कैसा लिखना। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, देन तब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। T1 लिख दे रहा हूं या S1 लिख दे रहा हूं, पहला टाइम तो पहली स्पीड, डिस्टेंस तो चेंज होना नहीं है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो पहला टाइम कितना लग रहा था, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड थी x, डिस्टेंस हो गया मीटर में, स्पीड हो गई किलोमीटर पर आर में,
और किलोमीटर से किलोमीटर कट गया भाई, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, टाइम किस में आएगा, आर में आएगा। ऑब्वियसली बात है टाइम है तो आर में ही आएगा। इक्वेशन वन बना के छोड़ देना है आपको। अब दूसरे में क्या लिखना है आपको, केस सेकंड, ये केस पहला हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, खुद ही ध्यान दीजिए। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को, दूसरा वाला टाइम देखिए T2, अगर उसकी स्पीड को कितना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से, तो पहले वाली कितनी है x, तो अब वाली कितनी हो जाएगी x-8, तो ये अब वाला टाइम आ गया। ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है x-8, न्यूमिनेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होता है, सिंपल मैथ्स है, या उन्होंने खुद भी बताया है। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दूसरे केस में 480 अपॉन x-8 आर लग रहे हैं और पहले केस में 480 अपॉन x आर लग रहे हैं। ये है सवाल दमदार धुआंधार। अब सर क्या कंडीशन, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा, 3 घंटा, सवाल में पढ़ लो। अगर उसकी स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस या स्लोअर, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर देन द यूजुअल टाइम, तब वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो ये 3 घंटे ज्यादा, यानी कि T2-T1 दोनों आवर में है, कितना आंसर आएगा 3 आवर, क्योंकि ये इससे 3 घंटे ज्यादा है तो इसको इससे माइनस कराऊंगा, 3 घंटे आएगा। अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो मेरी एज से आपकी एज को माइनस कराएं, आंसर 5 आएगा। इससे सिंपल क्या होगा, T2 की वैल्यू 480 अपॉन x-8, अब आपको एक बात याद दिलाऊंगा, 480 अपॉन x इक्वल टू 3। क्या ऐसे सवाल हमने जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चन आते थे? ये क्वेश्चन हमारी रियल लाइफ की सिचुएशन से ही तो बनाया गया है, अब आपको वहां से लिंक करना चाहिए इसको। ऐसे इक्वेशन आई थी ना सॉल्व करने को, वो सिर्फ एक इक्वेशन थी, ये वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बन रही है। तो अब मैंने इसमें आपको ये भी सिखाया था, वो बच्चा है बेवकूफ मंद बुद्धि छोटी बुद्धि जो उसको एलसीएम लेके 480 से मल्टीप्लाई, 480 को कॉमन ले ले हो ना, क्या बचेगा 1 अपॉन x-8 - 1 अपॉन x = 3, बात खत्म। अब इसका एलसीएम क्या, x-8 × x। जिन बच्चों को वेरिएबल का एलसीएम लेने में आज भी दिक्कत है, आज भी टिल डेट, उनके लिए एक टेक्निक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, उसकी मल्टीप्लाई इससे करो, नीचे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, निंजा टेक्निक लगा दो, निंजा टेक्निक आ जाएगा। तो एक एक पॉइंट को समझाना पड़ता है तो देर तो लगेगी फिर। तो x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x - x-8, तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई -1 से -x - 8 की -1 से +8 इक्वल में चल रहा है अपना 3। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इतना आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इसका आंसर जरूर निकालेंगे, ठीक है ना। तो 480 x से x हो गया कैंसिल, बच रहा है 8 अपॉन x-8, या मल्टीप्लाई कर लो नीचे x²-8x। सर मल्टीप्लाई तो अभी भी करना पड़ेगा, फंस गए आप यार। ये अगर इसको भेजता इसके डिवाइड में, या 3 इधर आता तो इसके डिवाइड में आता, तो 3 से ऐसे कैंसिल करते, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 0 का 0। कुछ तो आसान हो रहा है ना काम। अब 168 से करो, 8 0 0 0, 8 6 जा 48, 48 का 8, कैरी 4, 8 बन जा 8 और 4 12, 1280। ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में x²-8x, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी x²-8x 1280 इधर आ जाएगा बराबर 0। ये फाइनल इक्वेशन बन रही है, समझ आ गई बात? इसको नोट कर लें यहाँ तक। अब इस 1280 के फैक्टर कर कर क्या लेकर आना है हमको, पूरा सवाल आपको समझ में आ रहा है, इसको हटा देते हैं। तो 1280 के फैक्टर करके हमको लाना है 8, करिए भैया यही खतरनाक काम है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 0 का 0, 4 8 जा 32, 0 का 0, 4 2 जा 8, 0 का 0। हाँ 8 बन रहा है कहीं से, 4 4 जा 16, 16 4 जा 48, 48 से 20 जाएगा, नहीं बन रहा ना, चलिए 5 से 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, अच्छा जी 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे 1280 से कैसे बनेगा, यही है मुश्किल टास्क, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। समझ आ रही है बात?
वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करिए, किसी भी तरीके से निकालिए। अब याद तो करके आएगा नहीं ना बच्चा को, जो भी ये कैसे कर लेगा क्वेश्चन। तो 5 4 20 4 80 4 4 16 नहीं बनेगा। और दूसरे तरीके से बनाइए, 4 4 16 16 4 14 16 4 14 5 2 10 10 4 40 5 2 10 10 4 40 4 4 16 16 2 32। ये देखिए बन गया। तो देखा, ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये पूरा फैक्टराइजेशन में यही तो पढ़ाया था आपको। थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है कोई इशू नहीं है। तो माइनस का 40x ले लेते हैं और प्लस का 32 ले लेते हैं, माइनस का 1280 कर देते हैं, इक्वल टू जीरो, ठीक है, आ जाएगा आराम से। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 40, 32 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 40। ये सारी कहानी आपको पता है कि ये कॉमन बनेगा ही बनेगा 100%। सब पीछे सीख के आ चुके हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे साथ बच्चे अप टू डेट चल रहे हैं, पीछे का सारा क्लियर करके चल रहे हैं। वरना पीछे पढ़ाने का फायदा क्या निकलेगा इतना बढ़िया। इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से देखिए x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 40 और एक x की वैल्यू माइनस 32। तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को हमने x माना था, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो स्पीड जो थी उसकी, क्योंकि हमसे, अब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कुछ बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में x की वैल्यू निकाल के छोड़ आते हैं। x को लेट किसने करा? आपने। x की फॉर्म में आंसर किसने निकाला? आपने। आप छोड़ के आए। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर आप ये लिख के नहीं आएंगे आधा मार्क्स जाएगा आपका, आधा एक नंबर कटेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आर, जो कि ये हो रहा है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? तो ये चार क्वेश्चन से कितना कुछ सीखने को मिला आपको, कितना कुछ। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में जितने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को समझ के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो 90% वर्ड प्रॉब्लम आपकी, समझ लीजिए, मुझे लगता है हो जाएंगी, छूटेंगी नहीं। ये गेम है 95%। थोड़ा बहुत तो सप्लीमेंट्री बाहर से पढ़ना पड़ेगा, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये चार क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.4 के। अब जल्दी से हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 4.1 के थे, 4.2 पर, एक्सरसाइज 4.2। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, 3 से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 27 है, बड़ा आसान सवाल है। प्रोडक्ट जो है वो 182 है। कुछ बच्चों ने काफ़ी कन्फ्यूज़न इस पर क्रिएट किए थे, तो उन सबको उनके अकॉर्डिंग मैंने समझाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके भी जो सवाल हैं वो मैं खुद से पूछ लूँ। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, आपके माइंड में 99% जो क्वेरीज आती है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से पूछ लूँ एज अ स्टूडेंट आपके मन में क्या आ सकता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दो नंबर थे उनका सम जो है 27 है, तो सर मैं कैसे पता करूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन, क्या पता लीनियर हो। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये आप ही का सवाल है जो मैंने खुद से पूछा है। लेकिन आप कितना ही कुछ कर लीजिए, अगर लीनियर का होगा सवाल लीनियर का बनेगा, क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक का बनेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर टेंशन लेने की जरूरत है, एक बच्चा बोल पड़ा, सर टेंशन लेने की जरूरत है, कैसे? सर अगर मैंने दो नंबर को x और y मान लिया तो लीनियर बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक तो एक ही वेरिएबल में होती है। बिल्कुल सही बात है, आ जाओ उसी को समझाता हूँ। दो वेरिएबल, मैं जानबूझ के मुश्किल कर रहा हूँ यार इस सवाल को, ताकि वो आपका डाउट निकल जाए। दो नंबर का सम था, सर मैंने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, दोनों का सम 27 कर दिया। सर दोनों का प्रोडक्ट था तो x इंटू y बना के 182 कर दिया। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। अब x और y की फॉर्म में, या तो x की वैल्यू y की फॉर्म में, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था ना यार, लिंक तो करो एटलीस्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, या तो यहां से x की वैल्यू निकाल के y की फॉर्म में, या y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल के यहां पुट कर दो, या यहां से x की वैल्यू y की फॉर्म में, या y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल कर यहां पुट कर दो, फिर मुझे बताओ क्या बन रहा है। इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100%, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। अब दूसरा बच्चा कैसे सोच रहा है, अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया पहले से लग रहा है, तो दो नंबर है वो एक नंबर को x मान लेगा, दूसरे नंबर को 27 माइनस x मान लेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो दूसरा नंबर यहां से क्या आ रहा है देखना, y की वैल्यू क्या आ रही है, 27 माइनस x ही तो आ रही है,
लेकिन एक बच्चे के दिमाग में नहीं आ पाया, अब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, तुमने गलत कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, वहीं पे सारा मोरल डाउन हो जाता है, वहीं पे कहानी। तो मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूं, ये मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है, अगर आपकी स्टेप सही है तो जैसे आप चाहोगे सवाल वैसे बनेगा, जैसे आप चाहोगे सवाल वैसे बनता है, जैसे क्वेश्चन चाहता है वैसे नहीं बनेगा, आप जैसे चाहोगे वैसे सवाल बनेगा 100%। आप इतना सीखो तो सही, यहां आओ तो सही। समझ आ रही है बात? कुछ बच्चे डायरेक्ट एक सर एक नंबर हो गया x, तो दूसरा उससे माइनस करके तो आएगा, तो दूसरा 27 माइनस x, उन्होंने प्रोडक्ट कर लिया, तो वही, ये भी तो वही है ना, x प्लस y इक्वल टू 27, तो y इक्वल टू 27 माइनस x, तो इसमें क्या जा रहा है? समझ आ रही है ना पूरी बात? अब बस हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू y इक्वल टू 182, तो x y की वैल्यू कितनी आएगी, 27 माइनस x रखवा दो इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई कर लो 27x, x के x से करोगे माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। समझ आ रही बात? दोनों को उधर साइड ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर आपने 27 नंबर को अगर x 27 माइनस x माना होता, सुन लीजिए ध्यान से, x की वैल्यू निकालते जो भी आती उससे 27 से माइनस करते, दूसरा नंबर आ जाता, तो यहां भी तो बेटा आपने y माना है, तो y इक्वल टू कितना आ रहा था, 27 माइनस x, यहां भी तो माइनस करके ही y आएगा। तो ये कंफ्यूजन आज ही अभी के अभी दूर हो जाए कि लीनियर और क्वाड्रेटिक का लोचा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अगर सवाल लीनियर का होगा, लीनियर का बनेगा अपने आप, इट विल सेट इन टू इट्स फॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, ठीक, अपने आप ही सेट हो जाएगा सवाल अपने आप ही ऑटोमेटिकली। सही है बात? तो अब इसका आंसर निकाल लेते 182 के फैक्टर करके, 182 के फैक्टर करके क्या बनाना है हमको, 27 बनाना है, तो बनाइए 2 9 18, 2 1 2, 13 7 जा, ये 7 13 जा, तो 13 2 26, 26 और 7, 13 2 26, हाँ 7 2 14, 14 और 13, हाँ ये सही है, 14 और 13, राइट 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। एक्स एक्स माइनस 14, माइनस का 13 कॉमन लिया, एक्स माइनस 14। सर फंस गए आप, हम यही तो कहना चाह रहे थे, एक डाउट हमारा ये भी था, आप ही का डाउट है सर, एक डाउट हमारा ये था, जब दोनों आंसर पॉजिटिव आने लगे क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू आ रही 14 और 13। सही है, बिल्कुल सही है, आपकी बात से सहमत हैं हम 100%। इफ एक्स की वैल्यू 14 होगी देन वाई की वैल्यू 13 होगी, रखवा के देख लो, एक केस हो गया, अगर एक्स की वैल्यू 13 होगी तो वाई की वैल्यू 14 होगी। बात तो वही आ रही है, जब दो आंसर आ रहे हैं बात वही आ रही है, दोनों आंसर लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 14 × 13 भी 182 बनेगा, दोनों का सम करोगे 27 बनेगा। 13 × 14 भी 182 बनेगा, दोनों का सम करोगे 27 बनेगा। तो बोथ सेट्स आर करेक्ट, या तो नंबर 14 13 होंगे या 13 14 होंगे, पता थोड़ी है पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। बात समझ में आ गई? ये गेम मैथमेटिक्स कभी धोखा नहीं देती, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% सेटिस्फेक्शन दे सकता है आपको विद प्रूफ, दैट इज मैथमेटिक्स। वरना फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, इतने सारे अजम्पशन भरे पड़े हैं, कहीं पे निगलेक्ट कर दिया, कहीं पे कोई बहुत छोटी वैल्यू होगी छोड़ दिया, ये वो, मगर मैथमेटिक्स आपको 100% सेटिस्फेक्शन देता, यही इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है, खूबसूरती है, दैट्स वाई आई लाइक मैथ। ठीक है ना? तो ये था पहला क्वेश्चन, सवाल एक है लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए कितने पढ़ रहे हैं, सवाल एक है कॉन्सेप्ट 1000 है। ठीक है ना? बस ऐसे ही पढ़ते रहो प्यारे बच्चों, आराम से पूरा सीखोगे, हीरो बन के जाओगे। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर टू कॉन्सिक्यूटिव, अभी पीछे सवाल सिखाया था ये आपको, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स कितना है भाई, इस 365 है बच्चों, नंबर बताने हैं। क्या सिखाया था डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसको, तो एक को x माना तो दूसरे को x प्लस 1 माना, उनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर इधर होल का स्क्वायर होगा उनका सम कर लो, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1 देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इतना काम समझ गए, कितना 365, ओपन करो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू 365। कोई दिक्कत है सर? मजा बहुत आ रहा, दिक्कत कोई नहीं है, कराते जाइए आप जल्दी जल्दी। टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x 365 को इधर ले आइए, माइनस का 364 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 2 से रिड्यूस हो जाएगी, हमेशा आपको सिखाया, कहीं ऐसे ही करने लग जाओ एकदम। 2 कॉमन आ रहा है, उड़ा दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 से 1 बनाना है भैया, बना लेते हैं। 2 9 2 1 अभी तो आया था 13 14। हाँ करेक्ट है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो बच्चों, x प्लस 14 बनेगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 बनेगा इक्वल टू 0। दो फैक्टर यहाँ से आपको आते हुए दिखाई देंगे, x प्लस 14 एंड x माइनस 13। बच्चा सवाल, x माइनस 14 हो गई एक वैल्यू, एक हो गई 13। पॉजिटिव इंटीजर बोले थे तो 14 इज नॉट पॉसिबल बा, तो 13 इज पॉसिबल बा, तो 13 आंसर हो गया, एक आंसर 13 हो गया, दूसरा x प्लस 1 माना था तो 14 एंड 14। ये वो नंबर है जिनका स्क्वायर का सम करोगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका होता है 196, करके देख लो दोनों का सम कितना आएगा, 365 आएगा। सेटिस्फाई हो रहा है 100%। आप वर्ड प्रॉब्लम में अपना आंसर चेक कर सकते हो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो बात को? ये है गेम, हो गया, बहुत आराम से हो गया, बस करते जाओ यार, करते जाओ, सीख जाओ। लर्निंग एक मेथड है, एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना? एक दिन में किसी को कुछ नहीं मिलता, एक दिन में कॉन्सेप्ट बिगड़ जरूर जाते हैं लेकिन बनते नहीं हैं। एक प्रोसेस है, एक दुख है, एक दर्द है जिससे आपको होकर गुजरना ही पड़ेगा ना, दुख दर्द से होकर गुजरना ही पड़ेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। पेन तो होगा, बिना पेन के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? रात में बैठ के पढ़ोगे, दर्द तो होगा, नींद तो आएगी, है ना? लेकिन वो एक जो सपना जो आपने देखा है वो आपको जगाए रखने की कोशिश करेगा, और अगर आप जाग लिए तो वो सपना, वो आपका संकल्प, वो आपका निश्चय इतना कुछ आपको अपनी लाइफ में देकर जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बच्चों सोचा भी नहीं होगा, तो उस सपने के पीछे दौड़ते रहो, उसको पूरा करने के लिए उसके पीछे पड़े रहो जब तक वो मिल ना जाए, और जब वो मिल जाए तो एक और सपना देखो। कभी भी जिंदगी में रुको मत कहीं भी, इसीलिए तो कहा था ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, मिल रहा है समुंदर, मिल रहा है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, विजिबल करने के लिए एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं, तो बहुत मजा आएगा, आराम से हो जाएगा। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो भैया बेस को एक्स मान लिया, कह रहा है जो उसका एल्टीट्यूड है वो उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर मैं एग्जैक्ट ट्राइंगल भी बनाऊं, मैं तो चाहता हूं कि मैं डायग्राम भी एग्जैक्ट बनाऊं, तो बेस बड़ा होगा, एल्टीट्यूड छोटा होगा ना, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर लेस है बच्चों, राइट? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हो गई 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर टू साइड्स, दो साइडें बताइए। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, किसी में एरिया दे रहा था, किसी में समबाहुज स्क्वायर बोल रहा था, किसी में स्पीड दे रहा था, तो इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी है, ये सोचना पड़ेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम है तो वहां से इक्वेशन बन जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा दीजिए, 13 का स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, 169 होता है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab यानी कि 14x प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 उधर माइनस में ले जाएंगे, प्लस का 49 ऑलरेडी था, माइनस का 169 आएगा बच्चों, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 9 से 9 गया 0, 16 से 4 गया 12, माइनस का 120 इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन रिड्यूस हो रही है, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है? 12 5 जा 60 होता है, ऐसे फैक्टर बन जाएंगे, 12 में से 5 जा रहा 7 बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0, राइट? तो x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5, इधर 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक हो गया x माइनस 12, एक हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ रही है 12, एक आ रही है माइनस 5, माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है,
एक्स की वैल्यू 12, तो बेस इसका 12 होगा सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड था वो एक्स माइनस सेवन था, यानी कि 12 माइनस 7, दैट इज 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत आसान सवाल है। एक इस ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम इसमें आती है, जैसा कि मेरा ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस है, तो उनको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता, लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती है। बड़ा आसान है, ये वही वाला क्वेश्चन है बच्चों वाला, एक चॉकलेट इतने रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की होंगी, है ना? तो क्वांटिटी को अगर एक चीज की कॉस्ट से एक गुड की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कॉस्ट आ जाती है। ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है बच्चों, ऐसा ही कुछ हो रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है, कुछ आर्टिकल्स बना रही है, कुछ खिलौने बना रही है, कुछ भी बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, क्या है? वॉज 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। उस दिन जितने आर्टिकल बने थे, एक आर्टिकल की कॉस्ट जितने बने थे उसके दोगुने से 3 ज्यादा थी। सवाल तो पढ़िए, फिर से बोल देता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमने मान लिया कितने बने थे उस दिन आर्टिकल, एक्स बने थे, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई, उसके 2x से 3 ज्यादा। अब आपको कहानी समझ में आ जाएगी, बस 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल, बात खत्म हो गई। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट उस दिन 90 रुपए थी, 90 रुपए। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है और कितने आर्टिकल बनाए गए थे। बहुत आसान, एक बार फिर से समझ लीजिए इस सवाल को। मैंने मान लिया आर्टिकल एक्स बने थे, तो उन्होंने कहा है एक आर्टिकल को बनाने में इतना पैसा लगा, जितने आर्टिकल उस दिन बने थे उसके दोगुने से 3 ज्यादा, बन गया टोटल 90 रुपए। अकॉर्डिंग टू द सवाल, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3, आर्टिकल बने हैं एक्स, तो अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूं, एक चॉकलेट की कॉस्ट है 5 रुपए, 7 चॉकलेट मैंने खरीदी, तो 7 × 5 = 35 रुपीज हो गए टोटल। एक्स आर्टिकल बने, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x से 3 ज्यादा, दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट है 90। अब तो ये हो ही गया ना सवाल, बच्चा सवाल हो गया, फुद्दू सवाल हो गया। 2x की x से मल्टीप्लाई करोगे, 2x² + 3x, 90 इधर माइनस में ले लोगे, 92 = 180, 180 से बनाना है 3, ठीक है। 6 × 3 = 18, 5 × 6 = 30, नहीं बन रहा, कुछ ज़्यादा बड़े नंबर बना दिए, कोई बात नहीं है, 3 × 2 = 6, ठीक है बन जाएगा। देखो 5 × 2 = 10, 6 × 3 = 18, नहीं बना, ओके। तो ऐसा करते हैं, 5 × 6 = 33, 2 × 6, चलो छोटे छोटे नंबर बनाते हैं, ठीक है ना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। 92 = ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही, 92 = 180, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 × 9 = 245, 3 × 5 = 3×2 = 6, 2 × 12, देखो बन गया, 3 × 2 = 6 × 12, 12 × 15, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, और x कॉमन मिलेगा, तो 2x + 15, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन मिलेगा, 2x + 15 = 0, राइट है, बिल्कुल सही है। तो 2x + 15, दूसरा फैक्टर हमारा आ रहा है x - 6 = 0, एक x की वैल्यू आ रही है -15/2, आर्टिकल माइनस में कैसे बनेंगे, एक x की वैल्यू आ रही है 6, ये सही है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल बने थे बच्चों 6, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख दिया प्रोडक्शन, 2x + 3,
तो 2 6 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपए का एक आर्टिकल था। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 15 6 जा देखो कितनी लिखी है 90। यानी कि आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर सही है। तो ये दो एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको करा दी है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा मन करे तो बता दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिएगा चुपके चुपके बस पढ़ते हैं ना कुछ बच्चे। हाँ तो चुपके चुपके पढ़ने से बात याद आ रही है। अपनी तैयारी एक बंद कमरे में करो, किसी ने कहा था अपनी तैयारी को एक बंद कमरे में करो, शांति में जो किसी को पता ना चले, तैयारी को बंद कमरे में करो, लेकिन जब उसका रिजल्ट आए, परिणाम आए, तो धमाका हो जाए। समझ आ रही है ना बात? ऐसी तैयारी करिए। तो इन्हीं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों के साथ आपसे लेंगे विदा। बहुत अपना ध्यान रखिए, जिस तरीके का टाइम चल रहा है तो मास्क लगाकर रखिए और अपने आप को सेफ रखिए और पढ़ते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी इस वर्ड प्रॉब्लम के पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।